Then, as we know, the heritage is divided into main two parts. One is tangible heritage and another is intangible heritage. What's the meaning of tangible and intangible? Maybe Hanno sir already explained it with you. So I will not go through in depth, but please remember again, the heritage is start from yourself. Aap khud se iske shuruaat hoti hai. Uske baad aapki family hai, then the region and community, then the state, country and the world. So heritage means what? The surrounding. Jo bhi aapke aaju baaju mein hai, the tangible and intangible in both. The practices and the practical जो भी हमें दिखाई दे रहा है सामने और उसके साथ साथ जो हमारे traditionally जो भी परंपरा रूप से हम जो कर रहे हैं ये सभी heritage का part है. Again one more thing I want to add, always usually the scholars compare the different civilizations in terms of the development. So कौन सी civilization सबसे ज्यादा develop थी ऐसा उनके बारे में उसके बारे में compare किया जाता है. मगर मैं यहाँ पर बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हर सिविलाइजेशन जो है दो इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर और एनीथिंग किसी भी चीज के बारे में हो वो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से विकसित हुई है. इट्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, वहां का वातावरण और कुदरत जिस तरह से है उस तरह से उसकी डेवलपमेंट जो है वो बढ़ आगे जाती है. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड था, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, तो ऐसा नहीं होता है. सभी इसमें डेवलपमेंट हम देख सकते हैं बट वो समय के हिसाब से एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग समय पर हुआ है. तो जैसे हेरिटेज के फील्ड के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो हमेशा ये कहता हूँ जुरासिक पार्क हम सभी ने देखी है, मगर क्या हमें ये पता है जुरासिक पार्क फिल्म बनने से 20 साल पहले हमारे इंडिया में डायनासोर्स के एक प्राप्त हुए थे और आज की तारीख में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं तो विश्व का सबसे बड़ा तीसरा डायनासोर पार्क हमारे भारत में बनने जा रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश स्पेशली जबलपुर घुघवा और ये हमारा अलीराजपुर ये जो एरिया है खरगोन खंडवा तो इस एरिया में धार कुक्षी मांडव बाग मनवर अराउंड 125 डायनासोर 6 करोड़ साल पहले से लेकर के 7-8 करोड़ साल पहले तक के प्राप्त हुए थे. मगर हमें उस समय ये पता नहीं था कि इसको डायनासोर कहते इस जीव को डायनासोर कहते ये हमें पता नहीं था. ये बात है डायनासोर जुरासिक पार्क फिल्म बनने से 20 साल पहले की, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था. तो हमारा जब भी हम कुछ स्टडी करेंगे तो उस हिसाब से हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास भी बेस्ट थिंग्स है. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन लोगों को अपना अनाज खुद उपजाऊ नहीं कर सकते थे उनको नोमैडिक कहा जाता था, तो हम लोग कौन है फिर? आजकल हम भी तो ये नहीं कर सकते है ना. तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में सबसे पहले जो हमें देखना होता है वो होता है टूल्स डेवलपमेंट. तो हमारे जो हथियार है, हथियार मींस नॉट द आर्म्स जो लड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, वेपन्स नॉट दैट, द टूल्स विच वी यूज फॉर द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हमारी कला और स्थापत्य के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं हजारों साल इसके डेवलपमेंट के लिए लगे हुए थे. सो आवर दिस स्टडी विल स्टार्ट फ्रॉम द पेट्रोग्लिफ्स ऑफ द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में चिपळूण नाम का जो प्लेस है वहां का ये पिक्चर आप देख रहे हैं जिसको शैल चित्र के नाम से जाना जाता है. ये रॉक के ऊपर बने हुए चित्र है, दीज आर नॉट पेंटिंग्स, ये कार्विंग करके बनाए हुए चित्र है. तो ये देख करके हमें उस समय के कुछ जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर फील्ड जो है उसका नॉलेज होता है, क्योंकि अभी तक हमारे सिलेबस में जो है भीमबेटका से शुरुआत की गई है. नाउ हियर यू कैन सी द भीमबेटका, तो जो मध्य प्रदेश में हमारे भोपाल के नजदीक में है भीमबेटका केव्स, जहां पर हमारे स्थापत्य की शुरुआत हम कह सकते हैं इंडिया. यू कैन सी हियर वन ऑफ द एग्जांपल, दिस भीमबेटका ऑडिटोरियम केव एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ 7000 इयर्स ओल्ड. सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन वी कैन सी द पेंटिंग्स इन द भीमबेटका केव्स. बट अगेन हियर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इट मीन्स आफ्टर द 2000 इयर्स we can see this Indus Valley civilization, these cities. How can we say the only the word Indus Valley or other valleys? Why use such type of names? We will not say about the this debate. हमें इसमें नहीं ये होना है, मगर हमें ये देखना है उस समय best क्या था. Indus Valley civilization के जितने हरप्पा मोहनजोदारो कालीबंगन लोथल ऐसे शहरों को जब हम देखते हैं तब हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कितने सुनियोजित
बेस्ट टाउन प्लानिंग सिस्टम, हमारे नगर जो थे वो कितने सुनियोजित थे, उसका स्ट्रीट्स किस तरह से थे, उसके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से था, ड्रेनेज सिस्टम्स किस तरह से था, मार्केट एरियाज किस तरह से थे, हमारे हाउस जिसको हम डोमेशियल रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर ऐसा कहेंगे, और इस तरह से कुछ पब्लिक आर्किटेक्चर को भी देखते, जैसे ग्रेट बाथ का एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि आज के तारीख में जब हम थाईलैंड में विजिट करते हैं या फिर कुछ और फॉरेन कंट्रीज में, तो वहां पर आज भी इस तरह के सार्वजनिक स्नान गृह, आजकल भारत में तो ऐसे सार्वजनिक स्नान गृह नहीं है, मगर अगर हम थाईलैंड में विजिट करेंगे तो हम वहां पर देख सकते हैं इस तरह से ग्रेट बाथ वहां पर है। और ये देखने के बाद हमें पता चलता है भारत में भी जब हम ये देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो इसका जो प्रॉपर रूप से जो वाटर मैनेजमेंट वगैरह किया गया है, या जैसे हमने ऊपर का एग्जांपल लिया, या फिर नीचे यहाँ पर हम लोथल का ये देखते हैं, ये आर्टिफिशियल रूप से तैयार की हुई गोदी है, डॉकयार्ड जिसको हम कहते हैं, जहां पर जहाज आकर के लंगर डाल दे और वहां से व्यापार शुरुआत करे। तो ये बातें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे पास इतना बेस्ट सिस्टम था, मगर आज की तारीख में हमारे शहरों में, जैसे आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं मुंबई से, थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए कि जिस समय बारिश हो जाती है पूरे मुंबई में क्या हो जाता है, ड्रेनेज चौकअप्स हो जाते हैं और पूरा शहर में पानी पानी होकर के तबाही मच जाती है। सो व्हाई सच थिंग्स हैपन, इसका कारण क्या है? तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये कैरी बैग वगैरह जो फेंकते हैं उसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स होते हैं, बट टिल देन अगर हम 18th 19th सेंचुरी की अगर बात करते हैं तो उस समय तक का अगर ये देखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स उस समय भी फेस किए गए, कई बार इस तरह के प्रॉब्लम फेस किए गए, इट मींस दैट कुछ तो भी गड़बड़ है। तो हमारे यहाँ पर ये प्रॉपर टाउन प्लानिंग सिस्टम्स होने चाहिए, पानी कहाँ पर जा रहा है, कहाँ लीक हो रहा है, शहर में कहीं खुले पर पानी का ये हो रहा है क्या। सो आवर दिस एंटायर इंजीनियर्स और IAS ऑफिसर्स IPS ऑफिसर जो भी हमारे पास प्लानिंग में, जो भी नियोजन विभाग में लोग है, इन सभी लोगों को मिलकर के इसका अगर प्रॉपर रूप से अध्ययन किया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो धुलिया शहर, आप सभी लोग सर विश्वेश्वरैया के बारे में जानते हैं, विश्वेश्वरैया जी ने अपने जीवन की शुरुआत जो है एज ए इंजीनियर हमारे धुलिया शहर से की थी, और धुलिया शहर का पुराना शहर का जो हिस्सा है आज भी जाकर देखिए कि रोड कितने चौड़े है, रास्ता कितना चौड़ा है, किस तरह से टाउन प्लानिंग किया गया है। सो अगर हम इससे ये सीखेंगे, आर्किटेक्चर के इसमें से ये सीखेंगे, तब जाकर के आज के हमारे शहरों की जो समस्याएं हैं, दोइट्स एंड रूरल और दोइट्स एंड अर्बन, तो इन समस्याओं को जो है हम सुलझा सकते हैं। नाउ जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम इससे अध्ययन करके हमारे यहाँ के आजू बाजू के लोकल साइट्स को भी हम इस तरह से अध्ययन करना है। मैं कई बार मुंबई आता हूँ तो मुंबई में जब छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में विजिट करता हूँ तो जैसे ही एंट्री करता हूँ राइट साइड में मुझे उस समय का मुंबई शहर का पुराना सभी शिल्प वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं, मगर वो शहर उस समय में कैसा था इसका कोई संकल्प चित्र मुझे वहां देखने नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड के वॉल्स पर एंट्री हॉल में ही लेफ्ट साइड के वॉल पर मुंबई कैसे डेवलप होता गया वो उन्होंने दिखाया है, बट शहर कैसा था 18th सेंचुरी में उसका कोई प्लान मुझे देखने नहीं मिलता। सो व्हाई आई वांट टू से दैट यू नीड टू स्टडी योर लोकेलिटी अकॉर्डिंग। जब हम प्रागैतिहासिक शहरों के बारे में बात करते हैं, हरप्पा मोहनजोदड़ो के बारे में, सिंधु या दूसरे संस्कृतियों के बारे में बात करते हैं, हमारा शहर कैसा था उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। सो आई वॉज स्टार्टेड माई स्टडी फ्रॉम दिस खानदेश रीजन फ्रॉम वेयर नाउ आई एम सेटल हियर, एंड वी फाइंड आउट दैट आवर सिटी विच वॉज स्टार्टेड, उसका जो सिटी के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अराउंड 3700 years back हुई थी, ये हमने ढूंढ निकाला। अब केवल स्थापत्य आर्किटेक्चर के बारे में जब हम अध्ययन करने की शुरुआत करें, प्रॉपर रूप से अगर हमें कहीं लिखने को मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ लिटररी एविडेंसेस को भी हमें उतना ही ध्यान देना होगा। सो हमारे ऋग्वेद, जो अथर्ववेद, सामवेद, जो भी वेद है, उपनिषद है, आगम है, जैन ग्रंथ है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, तो मध्यम निकाय वगैरह जो त्रिपिटकाज है, so these ancient literary sources which gives us the details about this architecture. So in Atharva Veda there are the two rhymes you can study here. Here I fix my house, may it stand in safety, flowing with prosperity. We approach O house with all our heroes, our fine heroes, our unnamed heroes. So यहाँ पर एक घर कैसे होना चाहिए, वो कितना
प्रॉपर रूप से वेंटिलेशन, मुंबई की बात हमेशा मैं करता हूँ, तो मुंबई में देखते हैं लोकसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए एज पर द पॉपुलेशन, तो घरों का अगर ये देखा जाए तो आर्किटेक्चर कैसा है, जहां ऐसा लगता है कि सांस हमारी जो है कहीं बंद हो रही है ऐसा लगता है, तो ये घुटन महसूस क्यों होती है, इसका कारण क्या है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम एंसेंट लिटरेरी सोर्सेस में देख रहे हैं कंपैरेटिवली हमारे पास उतनी जगह नहीं है, ये ठीक है, बट टिल देन अगर हम ठीक से सोच के अगर उसका आर्किटेक्चर अगर प्लानिंग ठीक से करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इन समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। इसका एक मॉडल हमने तैयार किया था बीइंग एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हमने इस तरह के कुछ प्लान देखे हैं और जो आज की तारीख में कई बेस्ट आर्किटेक्ट जो है वो बना भी रहे हैं। नाउ आर्किटेक्चर में हम महाजनपद का काल जब देखेंगे तो महाजनपद पीरियड में हमारे यहाँ जो ये अलग अलग महाजनपद जो है, तो हर महाजनपद अपने अपनी आर्किटेक्चरल स्पेशलिटी है। जैसे अगर आप अश्मक, मूलक या कुंतल, गांधार ये जो भी देखते हैं, तो वहां पर बारिश किस तरह से होती है, बर्फ गिरती है क्या, या फिर गर्मी ज्यादा है। अगर आप तमिलनाडु साउथ की तरफ अगर चलेंगे तो वहां के आर्किटेक्चरल के इसमें आपको बहुत वेरिएशन दिखाई देगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न के इसमें बहुत अलग अलग रूप आपको दिखाई देंगे। एंड nowadays we got such type of the evidences after the archaeological excavations. तो पूरे भारत भर के इसमें अगर देखें तो इस तरह से अलग अलग स्पेशलिटीज हमें मिलती है। अगर आपको पॉसिबल है तो आप अपने आप जहाँ रहते हैं वहां के साथ साथ इस तरह की अलग अलग स्पेशलिटीज क्या है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रॉम द मौर्यन पीरियड दिस आर्किटेक्चर और द आर्ट विच वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, वन इज द कोर्ट आर्ट एंड द पॉपुलर आर्ट। So in court art we can study these palaces, pillars and the stupas and the caves which is in popular art. So it means that is the architectural study. So in the first phase we can see here the Saptaparni caves sometimes it mentioned as the Saptaparni because in the Buddhist literature it's mentioned as the Saptaparni and in the Sanskrit literature it's mentioned as the Saptaparni like that. So Saptaparni caves ye केव्स आर्किटेक्चर की स्टडी जब हम शुरू करेंगे तो सबसे शुरुआती दौर के ये केव्स माने जाते हैं और जहां पर बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ था ऐसा माना जाता है। हियर यू कैन सी सॉरी बुद्धा विजिटेड हियर जस्ट इन देयर आफ्टर द काउंसिल यहां पर लिया गया था, बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद एक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है यहाँ पर लिया गया था ऐसा माना जाता है। ये भद्रबाहु केव है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका डेथ हुआ था ऐसा माना जाता है। अभी इसका अगर आर्किटेक्चर लिए देखेंगे तो ये आउटर पार्ट जो है ये बाद में बनाया गया है, बट इनसाइड इफ यू सी इट्स एन वो अराउंड फोर्थ सेंचुरी बीसी का जो है ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। इट्स फिफ्थ सेंचुरी बीसी एंड दिस इज द फोर्थ सेंचुरी बीसी। देन वी कैन सी हियर दिस इज द फेमस लोमस ऋषि केव विच वॉज ऑफ थर्ड सेंचुरी बीसी, ये एक फेमस केव माने जाते हैं। मगर यहाँ पर 200 साल में ही डिफरेंस को आप देख सकते हैं। यहाँ ये केव आर्किटेक्चर की शुरुआत है, ये मिड टर्म कहेंगे हम, और ये अभी उसका लेटर फेज, तो इसमें ही आपको देख सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी द आर्च सच टाइप ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ दिस पिलर आर्किटेक्चर एंड हियर ऑन दिस आर्च यू कैन सी दिस गजथरा जो हाथियों की जो माला वहां पर कार्विंग की गई है जिसको गजथर इस नाम से जानते हैं। ये शुरुआत हम कहेंगे चैत्य और स्तूप जो हम देखते हैं उसकी शुरुआत किस तरह से हुई होगी ये आर्किटेक्चर देख के हम इसको समझ सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी वन ऑफ द अर्लिएस्ट स्तूपा, दिस इज द पीपरवा स्तूप ऑफ दिस बेदपुर ऑफ सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड लैटर इन लैटर फेज दिस केव्स एंड स्तूप आर्किटेक्चर इन दोनों के डेवलपमेंट में कितना यानी बहुत कम समय में कितना बेस्ट डेवलपमेंट हुआ है ये हम देख सकते हैं। अमरावती स्तूपा दिस इज ऑफ सातवाना पीरियड, इट्स अराउंड सेकंड सेंचुरी बीसी टू सेकंड सेंचुरी एडी, मगर 300-400 साल के भीतर ही आर्किटेक्चर में कैसे बदलाव हुआ, कितनी सुंदरता उसमें आई है यहाँ पर हम देख सकते हैं। हियर यू कैन अज्यूम दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, नाउ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज नॉट देयर बट टिल देन वी कैन अज्यूम इट बिकॉज ऑफ द सम स्कल्पचर्स, कुछ शिल्प अभी भी वहां पर है जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं। Nowadays, some of the railings are in Indian Museum, Kolkata, so that we can get the idea of that. Now here,
यू कैन सी वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सांची स्तूपा, ये सातवाना पीरियड का, और आज की तारीख में जो देख सकते हैं एक्चुअली इट्स कॉल्ड एज द स्टार्टेड इन द मौर्य पीरियड, देन द सातवाना, देन द श्रृंगा कुशाना डेवलपमेंट बाद में होती गई मगर गुप्ता पीरियड तक, फिर भी उस समय सातवाना पीरियड में सांची का स्तूप कितना सुंदर था आर्किटेक्चर केस में अगर आप देखें तो, पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो स्तूपों के इसके आजू बाजू में जो है सिर्फ एक इस तरह से मानिए कि ग्राउंड लेवल में भी है कुछ स्तूप, और फिर उसके बाद उसके ऊपर ब्रिक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। केव्स केस में जैसे हमने देखा इट्स अ सिंपल डेवलपमेंट होता गया, उसी तरह से जो स्तूप केस में देखेंगे कि ये ग्राउंड लेवल पे सिर्फ ब्रिक का स्ट्रक्चर देखते हैं, बाद में उसमें डोम और या एडिशनल फीचर्स हुए, फिर उसके बाद उसमें रेलिंग्स जो है वो एडिशनल हुआ, उसके साथ साथ ये जो है अधिष्ठाना उसका जो बेस है फिर उसके ऊपर अधिष्ठान के ऊपर फिर स्तूप का निर्माण होने लगा, देन द आर्च, द एडिशनल फीचर इज द आर्च, उस आर्च में भी जो है ये कार्विंग ब्यूटी हम देख सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी, यू कैन अज्यूम द फोर्ट्स एंड द पैलेसेस ऑफ दैट पीरियड, सातवान पीरियड में या श्रृंगा कुशाना पीरियड में हमारे यहाँ के पैलेस और ये किस तरह से थे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से जो है राजा की सवारी जा रही है, राजा जा रहा है और ऊपर से महिलाएं जो है खिड़कियों से उसे झांक कर देख रहे हैं, और ये सभी विंडोज गवाक्ष जिसको हम कहते हैं, और ये शिखर हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ हमें उस समय के आर्किटेक्चर जो भी है उसके ऊपर जो कार्विंग्स किए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय हमारा नौका नयन जिसको हम कहते हैं या फिर हमारा ट्रेड रूट सी ट्रेड रूट जो है वो कैसे डेवलपमेंट हुआ था वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जहाज में बैठ करके ये सफर जो हो रहा है उसे हम ये समझ सकते हैं। सो इसके साथ हम जब देखते हैं कि ये लगभग बीसी फिफ्थ सेंचुरी में शुरू हुआ ये सफर, एक्चुअली ऑडिटोरियम क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो 7000 साल पहले की, मगर जो अमरावती स्तूपा से अगर मैं शुरुआत करूं तो 3rd century BC से लेकर के आप यहां पर देख सकते हैं, नाउ दिस इज अजंता केव्स एंड एज वी नो दैट दिस इज फ्रॉम द 2nd century BC टू 2nd century AD एंड देन इन 4th and 5th and 6th century, पहले 400 साल बीसी 2nd century से 2nd century AD तक, फिर उसके बाद जो है चौथी और पांचवी शताब्दी में जो है ये डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर अजंता के बारे में सिकंदर वज्रदीन ने जो बात कही है, जहाँ नगमे जन्म लेते हैं रंगीनी बरसती है, दक्षिण की गोद में आबा है ये खाबों की बस्ती है, ये तस्वीरें बजाहर साकेत व खामोश रहती है, मगर अहले नजर पूछो तो दिल की बात कहती है। मैं यहाँ पर पेंटिंग्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा आर्ट का सेशन नहीं है, आर्किटेक्चर का है, मगर आप जब भी अजंता है विजिट करेंगे तो सबसे पहले ध्यान जाता है हमारा इसका जो शेप है, इतना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर आप व्यू पॉइंट पर खड़े रह के फोटोग्राफ लेंगे तब आप इतना सुंदर नजारा, दिसंबर में ये फोटोग्राफ लिया गया था, एंड हियर यू कैन स्टडी इट आर्किटेक्चरल हेरिटेज इन द एस्पेक्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज, यूनिक हॉर्स शूज टाइप डिजाइन, और विशेष बात यह है नेचुरल डिजास्टर से इसको कोई हानि ना पहुंचे इस तरह का आर्किटेक्चर निर्माण किया गया है। इट मीन दैट इट्स नॉट ओनली फॉर द ब्यूटी, इट्स फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अवर पेंटिंग्स और वट एवर बी देवर, जो भी कला उन्होंने निर्माण की है उसको जो है कुदरत से कोई हानि ना पहुंचे इसके लिए उन्होंने इस तरह का जो है डिजाइन किया है। अगर आप यहाँ के केव्स का ये जो प्लान है उसको भी अगर प्रॉपर रूप से अध्ययन करेंगे तभी समझ में आएगा। जनरली अगर आप केव नंबर 9 और 10 देखते हैं, दोज विच आर द ओल्डेस्ट केव्स, तब ये पता चलेगा आपको कि इसका ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है, या फिर सनरेज जो सनलाइट जो आता है केव्स के अंदर, तो जहां जितनी आवश्यकता है उसी तरह से उतना स्पेस रखा गया है, और बाकी जो है कार्विंग करते समय वैसा ही उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि पेंटिंग्स जो है आज हम देखते हैं यहाँ के पेंटिंग्स अराउंड 4th-5th century में जो बने 480-87 के पीरियड में ज्यादा बने हैं, तो आज भी यानी 1500 साल के बाद भी आज हम वो पेंटिंग्स देख सकते हैं, उतना ही उसका नेचुरल कलर जो है उतना ही ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं। सो हाउ इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट दिस ब्यूटीफुल, दिस बेस्ट आर्किटेक्चर। अगर इसके खिड़कियां दरवाजे अगर इस तरह से खुले रहते कि जहां से बहुत ज्यादा सनलाइट अंदर आ सकते तो क्या हो जाता था, अब तक ये पेंटिंग पूरी तरह से नष्ट हो जाते थे, क्योंकि हमें पता है कि पेंटिंग्स को सबसे ज्यादा नुकसान जो है
वो सनलाइट से तीव्रतम प्रकाश जो होता है उससे पहुंचता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे आर्किटेक्चरल ब्यूटी के हिसाब से। ये केव नंबर फर्स्ट है, आप यहाँ पर ये पिलर्स और उसका डिजाइन अगर देखेंगे, या फिर ये गर्भगृह जो है, गर्भगृह और उसके ऊपर का ये प्रवेश द्वार। प्लीज केयरफुल अगेन, दिस प्लेसेस आल्सो कॉल्ड एज द बुद्धिस्ट टेम्पल्स। बहुत बार हम लोगों के दिमाग में इतना कंफ्यूज रहता है, मैं बीइंग एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट एंड बीइंग एज अ हिस्ट्री लेक्चरर, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा और आज भी हूँ, प्राध्यापक भी रहा, तो उस समय मैं ये देखता था कि टेम्पल कंसेप्ट जो है सिर्फ हिंदू इसमें यूज की जाती है ऐसा लगता था। मगर जब मैंने सिक्किम या आसाम उधर एरिया में विजिट किया, या फिर जब मैंने स्टडी किया थाईलैंड और इसके बारे में, तब हमें ये पता चला कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स आर सो कॉल्ड एज द बुद्धिस्ट टेम्पल। सो इन दिस केव नंबर फर्स्ट यू कैन स्टडी हियर दिस एंट्री डोर, दिस मेन श्राइन, गर्भगृह का प्रवेश द्वार जो है उसके ऊपर जिस तरह से ये अलंकरण किया गया है, एंड दिस लिंटल पोर्शन के ऊपर भी जिस तरह का अलंकरण किया गया है, उससे हम ये समझ सकते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट किस तरह से हुई हो। क्योंकि विदाउट द स्टडी ऑफ दिस केव्स और विदाउट द स्टडी ऑफ दिस सांची टेम्पल नंबर 17, तो इसके अध्ययन के बगैर टेम्पल नंबर 17, टेम्पल नंबर 40 लाइक दैट, तो इसके बगैर हम आगे डेवलपमेंट कैसे हुई है इसको समझना मुश्किल हो जाता है। मैंने यहाँ पर ज्यादा लिटरेरी सोर्सेस को नहीं लिया है क्योंकि उतना समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक एक सेशन के एक एक इसके बारे में, यानी सिर्फ अजंता अगर अध्ययन करना है तो मिनिमम हमको एक दिन चाहिए, तब जाकर के हम अजंता ठीक से समझ सकेंगे। नाउ हियर केव नंबर 26, मैंने डायरेक्टली केव नंबर फर्स्ट से आपको केव नंबर 26 दिखाया है। हियर जस्ट यू कैन सी क्लियरली, अगर आप यहाँ पर केव नंबर फर्स्ट के पिलर्स को अगर आप देखते हैं तो इसका डिजाइन देखिए और यहाँ पर केव नंबर 26 को देखिए, तब हम समझ सकते हैं कि ये साइज का हिसाब से भी और उसके साथ साथ इसका ब्यूटिफिकेशन जो है वो भी ज्यादा है। और उसके ऊपर जो है यहाँ पर हम ये जिसको यक्ष कहते हैं, तो यक्ष हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ये यहाँ पर अलग अलग तरह के यक्ष है जिन्होंने अपने कंधे के ऊपर बोझ उठा लिया है, और दूसरे जिन्होंने अपने हाथों के ऊपर जो है वो बोझ उठा लिया है। तो इस तरह दो तरह के अलग अलग यक्ष दिखाए हैं। दूसरी बात है कि पिलर्स के ऊपर यहाँ पर जो फिगर्स जो दिखाए गए हैं, स्तंभ शीर्ष ऐसा हम इस पार्ट को कहते हैं, तो स्तंभ शीर्ष पर कपल फिगर्स एंड द बुद्धा और बोधिसत्वास फिगर्स आर आल्सो देयर। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी जो समय के हिसाब से बढ़ती गई। बट अगेन इफ यू जस्ट वॉच दिस एरिया, अगर दीवार का ये पिलर्स के पीछे का जो वॉल का एरिया है अगर आप उसको देखेंगे, दिस केव नंबर 26 इज फेमस फॉर बुद्धाज महापरिनिर्वाण स्टैचू। अगर आप वहां एंट्री करते हैं तो लेफ्ट साइड में ही बहुत बड़ा बुद्ध का महापरिनिर्वाण वहां पर दिखाया गया है। बट मैं यहाँ पर स्थापत्य के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया है। वहां वॉल के ऊपर आप अगर देखेंगे तो इस तरह से ये मानो एक जैसे स्टेज की तरह ये बिठा बनाया गया है, और उसके ऊपर इस तरह से आर्च बनाया गया है, जैसे हमारा मंडप बनता है, तोरण बनता है, तो उस तरह से इसका डिजाइनिंग किया गया है। सो इट्स व्हाट द ब्यूटी, आर्किटेक्चरल ब्यूटी। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस केव ऑफ एलोरा केव्स, दिस इज कॉल्ड एज द कैलाश केव। हमारे यहाँ अजंता और एलोरा ये दोनों वर्ल्ड फेमस है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मगर उसमें एलोरा केव में केव नंबर 16 जो है, 16 नंबर की केव जो है, तो ये कैलाश केव है। यहाँ पर अजंता में जब देखते हैं तो अजंता में हमें पता है कि दिस टोटल आर दी बुद्धिस्ट केव्स, बट हियर इन एलोरा ऑल थ्री आर देयर, फ्रॉम केव नंबर फर्स्ट टू 12 बुद्धिस्ट केव्स आर देयर, एंड फ्रॉम केव नंबर 13 टू 29 हिंदू केव्स आर देयर, फ्रॉम 29 टू 34 द जैना केव्स आर देयर। सो ये यहाँ पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण है कि सभी धर्म जो है, चाहे सिर्फ राजा अगर बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक ही जगह पर एलोरा इज व्हाट एक वर्णन जो उसका किया है, अगर भारत के अलग अलग धर्मों के इसका आर्किटेक्चरल का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, उसके ब्यूटी का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, एंड ब्रिटिश स्कॉलर मेंशन्ड अबाउट दिस, तो आप एलोरा को जरूर अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा जिक्र किया गया, एंड इट्स रियली ट्रूथ। Because here only this example of the Kailash cave, लगभग 84,000 cubic feet ये पत्थर जो है उसको carving करके आधी कलश मग पाया, यानी ऊपर से तराशते हुए वो नीचे तक आए,
और पूरा इतना एपिक स्टोरीज इतना ब्यूटीफुली मेंशन किए हैं, इतना ब्यूटीफुली उसके ऊपर कार्विंग किया गया है. एंड पेंटिंग्स आर आल्सो एट देयर हियर इन दिस एग्जांपल यू कैन सी हियर हियर आर फ्यू ऑफ द पेंटिंग्स, कुछ अभी भी हम देख सकते हैं. बट जैसे मानो कैलाश है कांचीपुरम का भी अगर आप विजिट करते हैं तो साउथर्न एंड दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र जो है उसमें हमें इस तरह की सुंदरता दिखाई देती है. और सच में कैलाश में सॉरी हमारे एलोरा केव्स में कुछ केव जैसे केव नंबर 22-26 वगैरह जो है उसके बाहर में हम देखते हैं कि हमारे साउथ के साउथ इंडिया के जो आर्टिस्ट है जो भी हमारे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इसको निर्माण किया है ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ के फिगर्स और स्टैचूज को देख करके हम ये समझ सकते हैं. बट सी हियर इसकी सुंदरता ये क्या है तो विशेष बात यह है कि इसको इतने सालों बाद भी जो है इसका दूसरा एग्जाम्पल हम निर्माण कर सकते हैं क्या, उसके बारे में हमको सोचना है. अगर हो सकता था तो फिर से मैं ये सवाल खड़ा करता हूँ हमेशा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और हमारे जो भी ग्रेट इंजीनियर्स जो भी एक्सपर्ट्स है जो टूटे हुए पत्थर है उसको अब तक हम ठीक पूरा नहीं कर पाए. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ एक्सपर्ट्स मिलकर के ये काम कर रहे हैं, वो उनसे जितना बनता है वो तो दिल लगा करके काम कर रहे हैं. बट टिल देन हमारे ये सभी आर्किटेक्ट जो भी है जो भी इंजीनियर्स है हम मिलकर के अगर सब मिलकर के अगर ये प्रयास करें तो हमारी इस छोटी सी एक ब्रांच हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में कि जो प्रयास कर रही है उसको हजारों हाथ जो है वो लग सकते हैं और मिलकर के जो है हम इस स्थापत्य को हमारी भारतीय विरासत को जो है और सुंदरता प्रदान कर सकते हैं. हियर यू कैन सी द ब्यूटी, ये ऊपर से जाकर राइट साइड में लिया हुआ फोटोग्राफ है. एंड हियर यू कैन सी एक द्विमंजिला ग्रह जैसा होता है, एक पैलेस जिस तरह से होता है उस तरह से ये निर्माण किया गया है. और दूसरी बात इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द टेम्पल एंड द पैलेस टू बिकॉज ऑफ द स्ट्रांगनेस लाइक द फूड, क्योंकि सेपरेट श्राइन्स एंड द केव टेम्पल्स इसमें क्या फर्क है जिसको हम कहते हैं ना हमारे बाकी जो मंदिर होते हैं जैसे हमारे यहाँ का अंबरनाथ का टेम्पल है उसमें और ये कैलाश टेम्पल में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस है क्योंकि ये पहाड़ों में खुदाई करके बनाए गए है. सो इट्स कॉल्ड एज द केव टेम्पल्स केव आर्किटेक्चर एंड दैट्स कॉल्ड एज द सेपरेट साइंस यानी जे पत्थरों को लाकर के तराश करके जिन मंदिरों को बनाया गया है. सो लाइक दिस यू कैन स्टडी महाबलीपुरम. महाबलीपुरम अगर आप विजिट करेंगे तो वहां पर पंचरथा टेम्पल जो है पर्टिकुलरली मामल्लपुरम महाबलीपुरम तो द्रौपदी रथ भीम रथ नकुल रथ वगैरह जो भी है तो उसको आप जब देखते हैं तब पता चलता है कि हमारे यहाँ का ये केव श्राइन से लेकर के सेपरेट श्राइन डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है. अगेन व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस केव्स, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये केव नंबर फिफ्थ के सामने का यह दृश्य आप देख सकते हैं. वाटर स्टोरेज सिस्टम्स, हमारे यहाँ का वाटर स्टोरेज सिस्टम कैसा था आज भी आप अजंता और एलोरा को विजिट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहाड़ों में गिरने वाला ये बारिश का पानी जो है उसको कैसे जमा किया जाता था और जैसे केव का साइज जिस तरह से है उस हिसाब से वहाँ के टैंक का साइज भी आप देखेंगे छोटा बड़ा ज्यादा जो भी है पानी जमा करना जो है और आवश्यकता अनुरूप वो वहां पर ही यूज कर सकेंगे. सो दिस इज व्हाट एज पर द नीड यानी सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार पानी को यहाँ पर जमा किया गया है. और दूसरी बात नॉट ओनली द वाटर स्टोरेज बट द वाटर दिस परकोलेशन सिस्टम्स आल्सो देन वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स आल्सो, ये बातें यहाँ पर बहुत सीखने लायक है. और मैं हमेशा ये कहता हूँ हजारों साल पहले इन्होंने इतना सुंदर रूप से ये निर्माण किया और हम खुद को पढ़े लिखे समझने वाले लोग जो है वेल एजुकेटेड हम खुद को समझते हैं. हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा देखिए पानी कितना ये है हम देखते हैं इसका तल हमें दिखाई दे रहा है बराबर मगर यहाँ पर हमने क्या किया है पता दिखाई दे रहा है. तो ये गंदगी हम लोग कृपया ना करें. कहीं भी किसी भी हेरिटेज प्लेस को अगर आप जब विजिट करते हैं बड़ा गर्व होता है ना कि ये हमारे देश की शान है. किसी फोर्ट को देखते हैं किलो को देखते हैं तो लगता है ये हमारी शान है मगर वहां पर इस तरह से गंदगी फेंक के जाना ये कहाँ का ये है ये कहाँ की पढ़ाई है कहाँ की संस्कृति है ये तो हमारी संस्कृति नहीं है. अगर सब सच में समझते ये हमारे राष्ट्रीय विरासत है दिस इज आवर नेशनल हेरिटेज तो कृपा करके ऐसी गंदगी मत कीजिए. दिस इज नाउ सिक्स्थ सेंचुरी भूतनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू द वाटरफॉल. तो ये आप वहाँ का बदामी की उसको अगर आप विजिट करेंगे दिस इज ऑफ बदामी चालुक्य दिस इज ऑफ सिक्स सेवेंथ सेंचुरी एडी कर्नाटका में एहोड़ बदामी पटदक्कल
वर्ल्ड फेमस एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वहां के बदामी केव्स को जब आप विजिट करेंगे तो केव नंबर 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ऊपर से अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड की तरफ में अगस्त्य तालाब और उसके बिल्कुल बाजू में ये भूतनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं। तो 6th सेंचुरी तक आते आते अभी पता चलता है, 5th-6th सेंचुरी तक आते आते पता चलता है कि हमारे यहाँ का टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की जो है जो गुप्ता पीरियड में जिसकी डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी। आर्किटेक्चरल के हिसाब से टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में एक माना जाता है कि हमारे यहाँ पर जो है गुप्ता पीरियड, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश का जो देवगढ़ का टेम्पल है विष्णु टेम्पल जो है, या फिर हमारे यहाँ का महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिले का ढोकी तालुका में तेर का जो त्रिविक्रमेश्वर टेम्पल है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स, मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे इस तरह के मंदिर है तो जिनकी शुरुआत गुप्त पीरियड में हुई थी अराउंड 5th सेंचुरी। तो ये मंदिर स्थापत्य की शुरुआत जो है जिसकी बाद में हम डेवलपमेंट देखते हैं, मगर यहाँ हमको पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ का केव और स्तूप आर्किटेक्चर किस तरह से निर्माण हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ का जो केव्स है तो उसमें से केव आर्किटेक्चर से सेपरेट श्राइन आर्किटेक्चर कैसे शुरुआत हुआ, उसके बाद हम ये भूतनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स को अध्ययन कर सकेंगे। अभी फिर से मैं एक बार ये कहूंगा कि टेक्निकल डिटेल्स और इसमें मैंने यहाँ पर ज्यादा ये नहीं किया है, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ व्यू देन यू कैन आस्क मी। मैं हमेशा के मेरी आदत की तरह यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको ब्रेक देते हुए मैं बीच में ये करता हूँ, और आपको बीच में से अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 40 मिनट बीते हैं और यहाँ पर जो स्कॉलर्स है अभी हम देखेंगे कि जो लोग उपस्थित है वो सिर्फ मैसेज में चैट बॉक्स में सिर्फ हाय मैसेज डाल दीजिए, जितने भी लोग उपस्थित है चैट बॉक्स में सिर्फ हाय मैसेज डाल दीजिए, आप में से कितने लोग उपस्थित है पता चलेगा। ओके ओके 3, 4, 5, 6 ये जो जो लोग उपस्थित है कृपया चैट बॉक्स में सिर्फ हाय मैसेज डाल दीजिए, ओके तब पता चलेगा कि कितने लोग प्रेजेंट है। ओके सो हैनो सर यू कैन नोट दिस पॉइंट, कितने लोग उपस्थित है आपको यहाँ से पता चलेगा, या फिर हमारे सारे सेशन में हम इस तरह से करते हैं, हमारे प्रोफेसर्स भी हमारे सेशन में जब होते हैं तभी हम यही करते हैं। हनोज जी ने भी कई बार ये अनुभव किया है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि सिर्फ मोबाइल में ये ऑन कर देते हैं कहीं रख देते हैं और इधर उधर चले जाते हैं या सो जाते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। तो कितने लोग उपस्थित है आपको पता चल रहा होगा, मैसेज कितने आए हैं, सिर्फ 20 के करीब मैसेज यहाँ पर आए हुए है, तो इससे हम पता चलता है कि कितने लोग उपस्थित है। ओके सो हाँ या अब किसी को अगर कुछ सवाल पूछना है तो कृपया चैट बॉक्स में लिखिए, अगर सवाल पूछना है तो चैट बॉक्स में लिखिए, कुछ अगर सवाल है अगर आप पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अभी या बीच में भी, अगर कभी आपको ऐसा लगा कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में सवाल जो है वो जरूर लिखिए। सॉरी सो ओके तो हमने हमारे यहाँ लगभग 5th सेंचुरी BC से यानी प्रमाण जो हमें प्राप्त होते हैं, मुझे क्षमा करना इतिहास अगर देखा जाए तो 7000 साल पहले का है, मगर 1000 साल तक की हमने बात की क्योंकि हमारे पास ज्यादा एविडेंसेस उसके अवेलेबल है। सो 5th सेंचुरी BC से लेकर सप्तपर्णी केव से लेकर के हमने जो है ये हमारा येलोरा जो है या राष्ट्रकूटा पीरियड तो वहां तक हम देखते हैं या थोड़ा सा उसके पहले तक हम देखते हैं 5th सेंचुरी AD तक गुप्ता पीरियड तक, तो 1000 साल की डेवलपमेंट हम देखें, उसके बाद हमने राष्ट्रकूटा पीरियड का ये कैलाश और इसको देखा, अभी हम बदामी चालुक्यों का देख रहे हैं। चालुक्य इज अ कंटिन्यू प्रोसेस बिकॉज चालुक्यों के इसमें चार फेमस ये है, वेंगी चालुक्य, बदामी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य लाइक दैट, बोधन चालुक्य विच कॉल्ड एज द वेमुलावाड चालुक्य। सो ये चालुक्य आर्किटेक्चर की इसकी विशेष बात अगर कुछ है तो अभी तक के जो आर्किटेक्चर आपने देखे ये सभी आर्किटेक्चर आपने नॉर्थ इंडिया के इसमें से देखे जिसे नागर आर्किटेक्चर स्टाइल हम कहते हैं। तो सेंट्रल इंडिया के पार्ट में जो डेवलपमेंट हुई है हमने अभी तक साउथर्न के नहीं देखे, चेर, चोल, पांड्या, पल्लवा ये चार डायनेस्टी को जब हम देखते हैं पीरियोडिकली अगर क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाए तो चोला और पल्लवा को हम देखते हैं, फिर पांड्या को देखते हैं, फिर चेरा डायनेस्टी देखते हैं। तो जिस तरह से नागर आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप हुआ उसी तरह से साउथ में द्रविड आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप हुआ, और ये मध्य का इलाका जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया जिसको हम कहेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका पर्टिकुलरली,
तो इन तीन स्टेट में एंड तेलंगाना आल्सो. सो ये तीन चार डेक्कन प्लाटू जिसको हम कहते हैं. तो अभी तो आंध्रा सेपरेट हो गया इस फॉरगेट इट, बट उस समय की जब हम बात करते हैं पुराना आंध्र प्रदेश जिसमें आंध्रा और तेलंगाना दोनों था, तो उसको अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल पार्ट जो है, सेंट्रल इंडिया जो है, इसमें हम पर्टिकुलरली वेसर टेम्पल आर्किटेक्चर टाइम देखते हैं. सो इट्स वॉट द कॉम्बिनेशन आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस ऑफ द नागरा एंड द द्रविड़ा ऑन दिस सेंट्रल पार्ट. सो हियर यू कैन सी नाउ द बेस्ट एग्जाम्पल्स in Ehore, Badami and Pattadakal, the Vesara temple architecture style. And now again, I move towards the educational architecture, this Nalanda. Nalanda Mahavira Ar ke baare mein hum jaante hain, jo jiski shuruaat maani jaati hai ki 1st century, 2nd century BC mein hui thi, magar 5th century CE tak jo hai, ye vishwa ka ek sabse famous university tha. To is university ki baare mein Nalanda, iske pehle ki baat karte hai to Takshashila, विक्रमशिला, वल्लभी, अलग अलग विद्यापीठों के बारे में हम कहते हैं. बट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट केस में अगर आप देखेंगे तो विथ द स्तूपा यू कैन सी सच टाइप ऑफ द आर्किटेक्चर्स आर देयर एंड द एजुकेशनल कैंपस डेवलपमेंट. आप यहाँ पर देखेंगे आज की तारीख में हमारे विद्यापीठ जिसको हम कहते हैं, विश्वविद्यालय जिसको हम कहते हैं, यूनिवर्सिटीज, सो यूनिवर्सिटीज में हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे बिल्डिंग्स किस तरह के होने चाहिए अध्ययन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए, अदर फैसिलिटीज के लिए, तो इसके सारे प्लान जो है आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे या फिर और भी कुछ अलग अलग जो रिपोर्ट्स है, यूनेस्को के रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को अध्ययन करते हुए उस समय के सेल्स पीएडी, जैसे हम आजकल पीएडी के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में अगर कमरे आपने विजिट किया होगा, एक छोटा सा कमरा बनाया जाता है 5x5 साइज का, तो उस तरह के सेल्स भी हमारे यहाँ के नालंदा और इस यूनिवर्सिटी के इसमें प्राप्त होते. इट मीन्स दैट उस समय भी ये आर्किटेक्चरल कैसे डेवलप्ड था और कैसे उन्होंने इसको यूज किया. मॉडर्न कंसेप्ट में हम अलग से सोचते हैं, बट अकॉर्डिंगली नेचर एंड आर्टिफिशियल, उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन उस केस में हम देखते हैं. हियर आल्सो यू कैन सी सम ऑफ द फोटोग्राफ्स ऑफ दिस नालंदा यूनिवर्सिटी. अभी तो गवर्नमेंट ने नया यूनिवर्सिटी बना दिया है, मगर फिर भी वो ओल्ड एज इट इज हम देख सकते हैं. नाउ वी मूव टूवर्ड द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. Here you can see this Pallava's pillar of this Amandagapattu temple of 7th century. So Pallava architecture ka speciality kya hai? Yahan par aap dekhenge origin of this Southern or Dravida temple architecture case mein pillars ko agar aap dekhte hai to us samay shuruaat ke yani jaise sirf deewar mein ye khudai ki gayi hai. Then here you can see the ardhastambha. Aadha jo hai deewar ke bahar hai, aadha jo hai deewar ke andar hai. And the complete pillars too. So usko dekhne ke baad फिर यहाँ पर आप ये 7th सेंचुरी का देखते हैं. दिस इज ऑफ द 3rd सेंचुरी बीसी कुंतपल्ली की ओर जब देखते हैं. देन हियर यू कैन सी द 7th सेंचुरी. तो पल्लवा पिलर जो उस समय यूज किए जाते थे उसके सेक्शन को आप अच्छी तरह से देखिए. आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हैं. और आज की तारीख में जो हमारे फ्लाईओवर जो ब्रिज बन रहे हैं उसके पिलर्स को आप देखिए. सेम टेक्नोलॉजी यूज टिल टूडे. आज भी हम इसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. थोड़ा सा कहीं पर शेप एंड साइज में चेंज हुआ होगा, बट टिल देन हम जो है यही टेक्नोलॉजी, ये आर्किटेक्चर जो है यूज कर रहे हैं. सो ये क्यों कहना है? क्योंकि स्तंभ जो है स्तंभों के ऊपर ही आधारित उसकी ऊपर की कैपेसिटी, जो भार पेलने की क्षमता जो होती है, बोझ जो होता है वो कितना सह सकते हैं, सो वेट कैपेसिटी. तो ये कैपेसिटी जो है इतनी अच्छी थी, हम उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं. यू कैन सी हियर द मदुराई मीनाक्षी टेम्पल. सो एज यू नो दैट दिस इज दिस प्राकारा कंपाउंड वॉल, द मेन कंपाउंड वॉल एंड दिस गोपुरम्स, 13 गोपुरम्स आर हियर कंप्लीट. टोटल 13 गोपुरम्स आर हियर. और ये सारे गोपुर को अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 मंजिला 12 मंजिला ऐसे गोपुर है. 5 मंजिल से लेकर के 13 मंजिला तक गोपुर है. तो ये इतने विशालतम गोपुर, गोपुर माने तो जो हमारा कंपाउंड वॉल का एंट्री डोर होता है उसके ऊपर जो शिखर होता है उसको गोपुरम कहते हैं. तो ये मेन टेम्पल जो होता है, तो हियर इज द मेन टेम्पल, तो उसके ऊपर का जो है उसको शिखर कहेंगे, बट हियर दिस इज द गोपुरम. तो गोपुरम को आप देखते हैं तो गोपुरम का वेट बहुत ज्यादा है. इसके वेट को अगर उसकी क्षमता को अगर ये करना है, संभालना है, तो पिलर आर्किटेक्चर उतने अच्छे होने चाहिए. सो दिस इज वॉट ये हमारा यूजफुलनेस जो है उसको दिखाता है. नाउ हियर यू कैन सी दिस एंटायर टेम्पल कॉम्प्लेक्स
Madurai Meenakshi Temple, entire temple complex, and see the beauty. आज भी जहां पर हमारे पास एरियल ड्रोन से फोटोग्राफी वगैरह है, आज भी हम इतना बेस्ट जिसको कहेंगे, यस टुडे इट्स पॉसिबल, बट एट दैट टाइम व्हेन देयर वाज नो एनी सच टाइप ऑफ द ड्रोन कैमरास और एनीथिंग, बट टिल देन इतना भव्य विशाल कॉम्प्लेक्स, टेंपल कॉम्प्लेक्स उन्होंने जो बनाया है, इस एक कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आप बात करें तो 10,000 लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं, इतना विशाल ये टेंपल कॉम्प्लेक्स है, इतनी जगह इसके अंदर है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। इसका सिर्फ मेन एंट्री वो इधर से डोर से देखिए, तब भी हमको ये पता चलेगा एक पूरा शहर इसके अंदर समा सके, इतना सुंदर ये टेंपल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। एंड सच टाइप ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ टेंपल्स इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, कांचीपुरम या महाबलीपुरम या ऐसे कई जगह है कि जहाँ पर ऐसे एक एक शहर, सिर्फ कांचीपुरम की अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 100 टेंपल्स, या फिर चिदंबरम नटराज टेम्पल वगैरह जिसकी हम बात करते हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल की बात करते हैं, तो ऐसे कितने तो भी विशालतम मंदिर यहाँ पर है। और इसके अभी पिलर आर्किटेक्चर में ब्यूटीफुलनेस देखिए, ये जो पार्ट है जिसकी शुरुआत चोला पीरियड में हम देखते हैं, बट लेटर ऑन पीरियड में जो है ये धीरे धीरे इतने डेवलप हुए। यहाँ पर हम ये स्तंभ शीर्ष के ऊपर मौर्य पीरियड की जब हम बात करते हैं तो मौर्य कालखंड के और सातवाना पीरियड के स्तंभ नागर आर्किटेक्चर में जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर का जो वो चतुर्मुख सिंह जब हम देखते हैं, जो हमारा लायन कैपिटल जिसको कहते हैं, सारनाथ वगैरह के जो पिलर्स है, तो वहां पर जिस तरह से स्तंभ शीर्ष निर्माण हुए साउथर्न इंडिया में, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर लाइक अ लेटस पीटल, उल्टा कमल जिसको कहते हैं, और उसके ऊपर फिर आर्किटेक्चर ये है, फिर उसके ऊपर लायन है, एंड देन यू कैन सी दिस पार्ट। तो ये सुंदरता, और उसके साथ साथ इसका जो सीलिंग पोर्शन है वो भी उतना ही सुंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में जो है स्तंभों के ऊपर भी स्तंभ है, पर्टिकुलरली हम विजयनगर कृष्णदेवराय पीरियड में देखेंगे, मगर यहाँ पर आप याली जिसको मिथिकल लायंस वगैरह कहते हैं, तो ऐसे कुछ प्राणियों के सिंबल्स इसमें दिखाए गए हैं, एंड समटाइम्स द डांसिंग फिगर्स आल्सो देयर। आर्किटेक्चरल में ये डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी द पॉन्ड्स, जैसे हमने एलोरा केव्स में देखा था वाटर आर्किटेक्चर के लिए उन्होंने यूजफुलनेस, फॉर द यूजफुलनेस, तो उन्होंने वहां पर जो है छोटे छोटे वाटर टैंक्स बनाए हुए हैं केव्स आर्किटेक्चर में, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के टेम्पल्स में, जहाँ नागर में सॉरी नॉर्थ में जहाँ पर हम हमारे स्तूपों के बाजू में या फिर मंदिरों के बाजू में छोटी छोटी पुष्करणी वाटर बॉडीज देखते हैं, मगर जैसे जैसे आप सेंट्रल पार्ट में आएंगे और जैसे साउथर्न की तरफ बढ़ेंगे, इतने विशालतम ये बनाए हुए हैं पुष्करणी बनाए गए हैं वाटर बॉडीज, बिग साइज ऑफ वाटर बॉडीज आर देयर, बहुत बड़ी बड़ी पुष्करणियां बनाई गई। इसका कारण क्या है, अभी जैसे मैंने कहा था एक मंदिर माने एक छोटा सा शहर था, वहां पर सैकड़ों बच्चे आकर के पढ़ते थे। मैं एक टर्म यहाँ पर यूज करता हूँ, एट दैट टाइम आवर टेम्पल्स वॉज द कॉलेजेस, उच्च शिक्षा के लिए, स्कूल शिक्षा के लिए हमारे यहाँ पर जो है हमारे मंदिर काम करते थे, तो टेम्पल कॉलेजेस ऐसा हम उसको कहते हैं। तो ये बच्चे जो यहाँ रहते थे, सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, उनके लिए उनके जो गुरु होते थे, पढ़ाने वाले जो होते थे, और साथ साथ उनकी व्यवस्था रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए, तो इन सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उतने विशालतम ये जो है वाटर बॉडीज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ के मंदिरों के जो ये देखते हैं हॉल भी जब देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे हॉल होते हैं, मगर साउथ में आप देखते तो हजार स्तंभी मंदिर ऐसा बोलते हैं, थाउजेंड पिलर हॉल, एंड देर आर मेनी सच टाइप ऑफ टेम्पल्स आर देयर। आप सेंट्रल में और नॉर्थ में देखेंगे तो आपको शायद एक दो एग्जाम्पल मिलेंगे, मगर साउथ में इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जहाँ पर हजार स्तंभों का मंदिर बना हुआ है, जिसे हम समझ सकते हैं कितने लोग वहां पर रह सकते हैं। नाउ हियर दिस इज व्हाट वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, कि हमारे यहाँ पर जैसे हम इजिप्त के नाइल नदी के किनारे पर जो हमारे पिरामिड्स है, तो उसकी हम बात करते हैं, उसका एक जो फेमस पिरामिड है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे ऊपर का उसका जो स्टोन है वो लगभग 80 टन उसका वेट है, और उसके ऊपर एक साथ में कई सारे लोग बैठ सकते हैं वगैरह, ऐसा हम कहते हैं। तो सेम अकॉर्डिंगली दैट हियर यू कैन सी दिस बृहदेश्वरा टेम्पल, जो राजराजेश्वरम के पीरियड में बना था, राजा चोला के पीरियड में, तो
यहाँ पर आप देखते हैं ये ऊपर का जो आमलक जैसा ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, टॉप मोस्ट पार्ट जो है, तो ये भी कई टन वेट है उसका। और ये पूरा अगर पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो इट्स मोर देन 1000 टन, 1000 टन से ज्यादा वजन है। मगर फिर भी इसको कोई प्रॉब्लम यहाँ नीचे अभी तक नहीं हुआ है, नॉट एक सिंगल दरार भी पत्थरों के इसके ऊपर आज भी हम नहीं देखते हैं। 1000 साल पहले बना हुआ मंदिर जो आज भी यहाँ हम देखते हैं, तो कोई एक एक दरार उसके पत्थरों के इसमें नहीं आए हुए है। इसका कारण क्या है? तो जैसे मैंने कहा था, इट्स व्हाट द आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंड द यूजफुलनेस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर्स। तो ये कॉम्बिनेशन, इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। एंड देन इसी का अध्ययन करते हुए साउथर्न के ये विशालतम मंदिरों को और नागर टेम्पल में, नागर में क्या है, मंदिर चौड़े है जिसको पंचायतन शैली कही जाती है, तो इन मंदिरों का विड्थ ज्यादा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइट एंड वेट ज्यादा है, तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे सेंट्रल पोर्शन में देख सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द पार्ट ऑफ आवर गुजरात एंड राजस्थान, इस गुर्जर प्रतिहारा डायनास्टी। ये कभी आप अगर ग्वालियर फोर्ट को अगर विजिट करेंगे तो वहाँ ग्वालियर फोर्ट में यहाँ पर चतुर्भुज विष्णु टेम्पल है एंड दूसरा तेली का मंदिर जो फेमस है, तो इन टेम्पल्स को विजिट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। हियर इन द सेम रीजन यू कैन सी द ब्यूटी। ये जैसे ये एक्चुअली पहाड़ है, ये पत्थर जो है ये पहाड़ का है, उसमें से कार्विंग करके बनाया है, बट टिल देन इसको ऐसा रूप, नागर टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल कहेंगे, बट जैसे डेवलपमेंट के फिर इसमें देखते हैं तो ये एक अलग स्टाइल उन्होंने यहाँ पर डेवलप की हुई है। एंड हियर दिस अपर पोर्शन विच वी कैन कॉल एज द साउथर्न स्टाइल, जो ऊपर जो ऐसा ये दिखाई दे रहा है पोर्शन, जैसे कोई हंस के बैठने के जैसा जो दिखाई देता है, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द साउथर्न स्पेशलिटी। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ओरिसा एंड टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल, रेखा नागर देउल आर्किटेक्चर स्टाइल जिसको कहते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस इसके इसमें हमें दिखाई देता है। बट बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑल, इट्स दे डेवलप्ड देयर ओन स्टाइल। गुर्जर प्रतिहार जो है उन्होंने अपना खुद का स्टाइल डेवलप किया। हियर यू कैन सी दिस टेम्पल इज अ, जिसको हम कहेंगे कि कोई ये नहीं है, यानी अधिष्ठान नहीं है, बेस नहीं है, बट बाद में अगर ये टेम्पल देखेंगे तो अधिष्ठाना जगती जो है वो पार्ट बहुत ज्यादा उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों के टेम्पल में डेवलप किया हुआ है। फिर भी आपको फिर से एक बार ये मुझे बताना आवश्यक होगा, अब अगर आप यहाँ पर ये पोर्शन को देखते हैं, मेन एंट्री डोर उसके ऊपर ये देखिए, और फिर उसके ऊपर का ये जो पोर्शन है, ये जो गवाक्ष की तरह दिखाई देता है, बट एक्चुअली इट्स अगेन सेकंड डोर। सो यू कैन सी सच टाइप ऑफ द डोर इन द गोपुरम, साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल गोपुरम। सो इसीलिए मैंने ये कहा था कि दिस इज द सेंट्रल पार्ट विच हैव सच टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंस। नाउ हियर यू कैन सी वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट टेम्पल ऑफ द इंडिया। आर्किटेक्चरल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, दिस इज द दोड़ बसप्पा टेम्पल ऑफ डंबल। सो दिस इज एन यूनिक 24-pointed स्टार शेप्ड टेम्पल। सो दिस इज वॉट अनइंटरप्टेड स्टेलाइट एंड 7-tiered द्रविड़ा प्लान। वाई इट्स कॉल्ड एज द 7-tiered? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7-tiered। सो ये 7 जो टप्पे दिखाई देते हैं इसमें, एक के ऊपर एक जो स्तर है, तो दिस इज वॉट द फ्लैट रूफ, उसके ऊपर ये टायर्स जिसको हम कहते हैं, तो 7 मंजिला इसका जो शिखर है, तो 7-tiered। और ये द्रविड़ प्लान, व्हाई इट्स मेंशनड एज अगेन एज अ द्रविड़ा प्लान, बिकॉज ऑफ इसमें कोई पंचायतन स्टाइल या जो नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है उसका ये नहीं है, बट टिल देन इट्स अ कॉम्बिनेशन। अगर आप ये इसको अगर अध्ययन करेंगे, वॉल को अगर देखेंगे प्रॉपर रूप से, जैसे आप डंबल गांव में विजिट करते हैं तो जैसे ही शहर में प्रवेश करते हैं गांव में, इट्स अ स्मॉल विलेज, तो लेफ्ट साइड में मेन रोड के लेफ्ट साइड में ये टेम्पल है। सो एज यू एंटर्ड इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स यू कैन सी द ब्यूटी, एंड ऑन द वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल यू कैन सी अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेम्पल प्लान्स आर देयर। अलग अलग तरह के जो है वो जो शिल्प उन्होंने उसके ऊपर बनाए हैं, तो उनसे भी हम उस समय के जो है अलग अलग टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की जानकारी ले सकते हैं। आई विल शो यू सम मोर एग्जांपल्स इन अदर टेम्पल्स टू। अगेन हियर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल टेम्पल, इफ यू विजिट द गदग लकुंडी, तो ये हमारे यहाँ का कर्नाटक में जो है गदग,
तो गदग में बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो एक ही टेंपल कॉम्प्लेक्स में ओल्ड सरस्वती टेंपल, न्यू सरस्वती टेंपल एंड वीर नारायण टेंपल, 3 temples आर देयर इन द सेम कॉम्प्लेक्स. दिस इज द पिलर्स ऑफ द ओल्ड सरस्वती टेंपल. यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस हाफ पिलर्स. मैंने ये दोनों तरफ से फोटोग्राफ यहाँ पर लिए हुए है और इतने ही इसमें आप इतनी सुंदर कार्विंग देख सकते हैं. एंटायर ये कंप्लीट पिलर को छोड़ दीजिए, सिर्फ हाफ पिलर भी अगर आप देखें उसका भी अध्ययन करेंगे तो इतना सुंदर रूप से इसमें निर्माण किया है उन्होंने. और छोटे छोटे इसमें 1 इंच 2 इंच की प्रतिमाएं हैं और उसका किरीट भी जो बनाया है वो भी बहुत सुंदर रूप से निर्माण किया गया है. सो दिस इज वॉट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस द्रविड़ा एंड नागरागे एंड दिस इज द वेसर आर्किटेक्चर स्टाइल. बट टिल देन हियर, यहाँ फिर उसके बाद शहर में थोड़ा सा और दूरी पर और एक दूसरा वीर नारायण टेम्पल है एंड सोमेश्वरा टेम्पल. बट ऑल टेम्पल्स आर रियली ब्यूटीफुल. कभी अगर मौका मिले तो गदग शहर को विजिट कीजिए. और उसके साथ साथ इसके बारे में जो है, गदग जिले में ही लकुंडी नाम का एक छोटा सा गांव है, अगर कभी मौका मिले तो वहां विजिट कीजिए. लकुंडी उस गांव में, एक छोटे से गांव में 51 तो बहुत अच्छे अच्छे मंदिर वहां पर एक छोटे से गांव में है. एंड मोर देन द 100 वाटर बॉडीज आर देयर, 100 के लगभग पुष्करणियां वहां पर है. तो ये गदग में, गदग शहर से नजदीक है, अराउंड 24 किलोमीटर फ्रॉम गदग. तो आप जरूर विजिट करें गदग डिस्ट्रिक्ट, टेम्पल्स इन द गदग एंड द सराउंडिंग. दंबल का जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया वो भी गदग डिस्ट्रिक्ट में ही है. एंड द लकुंडी विलेज, एक गांव देखने के लिए आपको 3 दिन लगेंगे कम से कम, जो है 3 दिन आपको लकुंडी में रहना पड़ेगा, जब जाकर के आप ठीक से सारे टेम्पल देख सकेंगे. आई वॉज लिव्ड हियर इन गदग फॉर 8 days फॉर टू स्टडी दिस टेम्पल्स.